किन कंडीशंस में ये हो सकता है? मतलब यंग एज में भी जो लोगों में ब्लड प्रेशर हाई होता है, मैंने ऐसे पेशेंट देखे कि जिनमें ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह किडनी की बीमारी होती है। पहले जो किडनी की बीमारी का पता नहीं चलता, जिनमें रिनल कैल्कुला है या किसी कारणवश से किडनी फेलियर हो चुका है और पेशेंट को मालूम नहीं है, उसमें जो क्योंकि किडनी ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म, किडनी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म जब डिसरप्ट होता है तब क्या होता है, ब्लड प्रेशर सडन बढ़ता है। उसको कारण मेंटल टेंशन ऐसा हो सकता है या कोई शॉक हो सकता है, उससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ने के बाद ब्रेन में हिमरेज होता है और पेशेंट को बाद में पैरालिसिस होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अमायोट्रॉपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, गिया-बारे सिंड्रोम, ऐसे बीमारियों में भी रुग्णों को पैरालिसिस होता है। ये सभी बीमारियों को हम मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं और ट्रीट भी करते हैं।